आजि प्रधानमन्त्रीको 72तम जन्मदिवस अवसरले गंजाम जिल्ला कोतला एनएसीले एक स्वच्छता सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होइजेछि। लक्ष्मीनारायण महाविद्यालयर छात्र छात्री माने एक शोभायात्रा करी सहरको प्लास्टिक मुक्त करिबा, पॉलिथिन हटाइबा, स्वच्छ सुंदर परिवेश सृष्टि करिबा नै सचेतनता करछन्ति। स्वच्छता आवर्जना पृथकीकरण एवं प्लास्टिकर एकक व्यवहारकु वर्जन करिबा पई सचेतनता सृष्टि करा जैतिला। छात्र छात्री माने ग्राम परिक्रमा करी निजे परिष्कार परिच्छन्न रहिबा सहित आम परिवेशकु परिष्कार रखिबाकु विभिन्न स्लोगान मान दे सचेतनता सृष्टि करथिले। कार्यक्रम रे एनएससी अध्यक्ष सूर्यनारायण नायक, उपाध्यक्ष रंजिता सेठी, कोदला बीजेपी मंडल सभापति मधुसूदन जेना, समस्त काउंसिलर, एनएससी कर्मचारी उपस्थित रही छात्र छात्री को उत्साहित करथिले। अजैविक विघटनशील बर्ज्यवस्तु पई धळा रंगर आवर्जना कुंड, जैव विघटनशील बर्ज्यवस्तु पई सबुज रंगर कुंड ओ कला रंगर आवर्जना कुंड को घरोइ क्षतिकारक आवर्जना पई व्यवहार करबाकु परामर्श दिथिले। सेपरि ओदा आवर्जना को कंपोस्ट गातरे पकाइबा सह समस्ते पायखाना व्यवहार करबाकु परामर्श दैथिले एनएससी कर्मचारी। कौन आज कार्यक्रम चलछि एठी वर्तमान आमे कोदला एनएससी एरिया रे आपण आमे माने एक एकत्रित होइछु एठी आमे स्वच्छ भारत रे आमे भाग नैथिबारु आमे बहुत खुशी अछु। एठारे बहुत मात्रा रे जरी पॉलिथिन प्लास्टिक व्यवहार होउछि किंतु आमे यदि आम स्वच्छ भारत को आंदोलन करिबारे एठी एकत्रित होइछु तेणु मु एथिरे कहिबाकु चाहूछि जे आमे जरी पॉलिथिन प्लास्टिक व्यवहार करिबा जदि आमे बंद करिबा तो आमर एडी जो अपरिष्कार होउछि प्रत्येक रास्ता घाटरे आमे ताको हटाई पारिबा दुर्नीतिरु आमे वंचित होई पारिबा। सागर बोले कौन आज कार्यक्रम एडे होउछि आज एठी स्वच्छ भारतर कार्यक्रम चालछि दिनकु दिन जेपरि भावरे जनसंख्या मानकर वृद्धि घटुछि सेपरि भावरे प्रदूषण मध्य दिनकु दिन बढ़िबा लागिछि। एही प्रदूषण को रोकिबा पई भारत सरकार एही स्वच्छता दिवस एही कोदला विज्ञमित अंचल परिषद रे आरंभ करिसथि जहाद्वारा लोक माने प्रति सचेतनता होई एही स्वच्छता दिवस प्रति अत्यधिक आह्वान होई परिबे एवं एही स्वच्छता मध्य एही कोदला ग्राम रे अत्यधिक परिमाण रे होई परिबो जहाद्वारा परिवेश सफा सुथरा एवं परिच्छन्नता रहि परिबो। गंजाम सुशांत पटनायक सकाळ खबर।